आज मैं आपके सामने जो बात कहने जा रही हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपनी आवाज उठाना बंद कर देते हैं तो लोकतंत्र पर प्रहार होता है। जब कुछ गलत आपके आसपास होता है और आप आवाज उठाते हैं तो उस बात को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसे ना कैसे सुनता ही है। और मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के पर्यावरण से रिलेटेड। और जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ की, तो एक प्रकरण आया है जिसपे आज क्रेडिट वीर और बड़े बड़े नेता जो क्रेडिट खाने की कोशिश में बता रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा था, कहाँ कहाँ था वो दिखा दो। जितने पर्यावरण को प्यार करने वाले लोग हैं उत्तराखंड में, सब ने उस वक्त कहा था कि इस विषय को उठाए तो कैसे उठाए, और तब मैंने इस बात को उठाया था। और आप जानते हैं मैंने तो कफन बांध रखा है और मुझे तो मुद्दों को उठाना है, मुझे जनता के बीच में रहना है, आपकी बात को कहना है और आपकी बात का कोई समाधान निकले उस ओर काम करना है, और वही मैंने किया। 8 अगस्त 2024 को एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया जिसमें यह कहा गया कि IFS राहुल एक टेंटेड ऑफिसर है अभी तक, अभी क्लीन चिट मिल जाएगी तो वो टेंटेड नहीं रहेंगे, लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली तो ये बात याद रखेगा। तो उनके ऊपर आरोप थे पाखरो रेंज में, जब वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनके ऊपर CBI जांच चल रही है, उसमें क्लीन चिट नहीं मिला है, और उनको बना दिया गया 8 अगस्त 2024 को निदेशक राजाजी नेशनल पार्क का, जबकि चीफ सेक्रेटरी मंत्री वन मंत्री उन्होंने ये कहा था कि इनको पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। तो इन्हें पोस्टिंग किसने दी? मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। उसके बाद जब, और ये बात ऐसा तो है नहीं कि मैं पोस्ट कर रही हूँ मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, अगर उन्होंने कार्यवाही करनी होती तो उसी दिन कर लेते और इतनी आज उनकी जगहसाई ना होती। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि उस दिन मैंने क्या लिखा था। मैंने कुछ आर्टिकल्स डाले थे, 28 अप्रैल 2022 का इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट, द स्टेट्समैन की 8 फरवरी 2024 की रिपोर्ट, और दून मिरर एक पोर्टल है कोई 10 जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट, जिसमें क्योंकि लिंक पर कॉपीराइट था तो मैंने लिंक डाला था। अब मैंने इसमें क्या पूछा था, कुछ सवाल पूछे थे। आज राहुल की राजाजी टाइगर रिजर्व में तैनाती चर्चा का विषय क्यों बन गई है? आज एक शासन आदेश देखकर हैरान हूं जिन IFS राहुल पर कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का निदेशक रहते आरोप लगे, उन्हें आज राजाजी राष्ट्रीय पार्क का निदेशक नियुक्त किया गया है। वाह, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के मामले में सुर्खियों में आए अधिकारी, जिन पर विभागीय जांच में उन्हीं की वरिष्ठ अधिकारी ज्योत्सना सिद्लिंग द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, उन पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित प्रकरण, CBI की जांच चल रही है, ED की रेड घर पर पड़ी, ऊपर से छवि भी दागदार होने के बावजूद इतनी महत्वपूर्ण पोस्टिंग का क्या कारण होगा? ये सवाल मैंने यहाँ उठाए थे। इसके अलावा मैंने पूछे थे कुछ सवाल, 5 सवाल। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका? क्या ज्योत्सना सिद्लिंग के आरोप निराधार थे? क्या ED की रेड नहीं पड़ी थी? क्या CBI की जांच में क्लीन चिट मिल चुकी? क्या यह शासन आदेश किसी ने गलती से अपलोड कर दिया? और संदर्भ मैंने दे दिया था, सरकारी शासन आदेश भी डाला था, और जो संदर्भ दिया वो भी देख लीजिए, 28 अप्रैल 2022 की इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट, द स्टेट्समैन की 8 फरवरी 2024 की यह रिपोर्ट, दून मिरर पोर्टल पर 10 जुलाई 2024 की रिपोर्ट का मैंने लिंक दिया था, मैं आपको वो रिपोर्ट यहां दिखा रही हूं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैंने ये सारी बातें कहीं और इसमें जो शासन आदेश था इनकी नियुक्ति का उसे डाला तो क्या होना चाहिए? लेकिन हुआ क्या, कोई आवाज नहीं आई और कई लोग मेरे इस पोस्ट को ट्रोल करने के लिए पहुंच गए अगले दिन से। कुछ तो ऐसे थे जो IDs ही उसी दिन बने थे और मैं आपको दिखा रही हूं। अब चलिए जी, कोई बात नहीं, ये IDs बनवा ली गई होंगी, जो भी करा गया होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि सच्चाई है कि जब नए नए ID बनाकर आप झूठी बातें कर रहे हैं और ट्रोल भी कैसे कर रहे हैं। देखिए कितने तमीज से इन्होंने मुझे ट्रोल भी किया, मैम, सुजाता जी, ये सब बोल के। ट्रोलर्स को हम भी पहचानते हैं ना, बहुत गालियाँ खाते हैं और हमें भी पता है कि उनकी लैंग्वेज कैसी होती है। और एक आदेश का लास्ट पेज डाल दिया कि इनको तो क्लीन चिट मिल गई, और आज ये बात साफ हो गई कि राहुल जी को
क्लीन चिट नहीं मिली। मैं फिर कहूंगी राहुल जी से मेरा कोई निजी कोई लड़ाई थोड़ी है, मेरी निजी दुश्मनी थोड़ी है। हो सकता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया हो सकता है कि ये इसकी जद में आ गए हो, इनको पता ना चला हो। और पोस्टिंग्स कैसी होती है ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, तो अब वो जो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं आती हूँ अपनी अगली पोस्ट पर, और ये अगली पोस्ट आप देख सकते हैं अगस्त में हुआ था, और ये था 29 अगस्त 2024। और जानते हैं ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि उस दिन बवाल मचा हुआ था। 29 अगस्त 2024 को पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ था, और उसमें ये था कि जय मजुमदार ने इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट लिखी थी, और उन्होंने एविडेंसेस भी डाले थे और कहा था कि चीफ सेक्रेटरी और वन मंत्री की बातों को नज़रअंदाज करके मुख्यमंत्री जी ने इनको पोस्टिंग दे दी। कहाँ पर? राजा जी नेशनल पार्क पे। जो बात मैंने कही थी। अब देखिए, जब मैंने ये बात डाली तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें ज़्यादा कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप सबको पता चल चुका था कि अब मामला गड़बड़ा चुका है। अब आते हैं इसके बाद। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पोस्ट मेरी है आज की, और ये आज की पोस्ट में क्या पूछा है मैंने, क्या बताया है, वो बताना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैंने लिखा आज सवेरे, क्योंकि मुझे पता था कि आज मामला सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग पे आया है। जो पेड़ काटे गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उसके कारण से ये मैटर दोबारा से सुर्खियों में आ गया। इसमें जो मैटर आया उसमें सुनवाई होनी थी, और मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। और मैंने इस बात को लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की राज्य सरकार को कड़े शब्दों में IFS राहुल को तत्काल राजा जी नेशनल पार्क के निदेशक डायरेक्टर पद से हटाने के निर्देश दिए हैं जब ये आया ऑर्डर। इस किरकिरी और इस प्रकरण के कारण कांग्रेस से गए हुए नेताओं में, भाजपा में तथाकथित रूप से अपने को सबसे मजबूत बनाने वाले सुबोध उनियाल के दिन भी इस प्रकरण के कारण लद गए हैं। अब उम्र भी तो हो ही गई है ना मंत्री जी, क्या करें, उम्र किसी का पीछा नहीं छोड़ती। और ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कुछ दिन पहले इन्होंने भी हरीश रावत जी के लिए यही बात कही थी। मैं कोई हरीश रावत जी की बात को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, इस गलतफहमी में भी कोई ना रहे, और मैं अपनी बात आज बता रही हूँ कि इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ वो सीक्वेंस क्या था उसका। लेकिन इसके पहले मैंने सवेरे जो डाला था पोस्ट वो ये था कि 8 अगस्त 2024 को IFS राहुल को जो नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ का निदेशक बनाया गया। 9 अगस्त को एक्स पर मैंने पोस्ट डाली और सवाल किए, मेरे सवालों के जवाब नहीं आए। बात को इन्होंने सोचा ये दबा देंगे, लेकिन फिर 29 अगस्त 2024 को जय मजुमदार की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आ गई, और 29 अगस्त 2024 को अपने आधिकारिक हैंडल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा जाता है कि सुबोध उनियाल जी का एक जो वन मंत्री हैं उनका एक बयान डाला। वो सब जगह सर्कुलेट कर रहा था कि आपसी सहमति से ही IFS राहुल को नियुक्ति दी गई। 30 अगस्त 2024 को इंडियन एक्सप्रेस ने फिर नोटिंग्स के विवरण जारी कर दिए और कहा कि ये रहे नोटिंग्स जिसमें चीफ सेक्रेटरी इसके लिए तैयार नहीं थे, जिसमें वन मंत्री इसके लिए तैयार नहीं थे, मुख्यमंत्री ने सबको नज़रअंदाज करके बना दिया। कोई कागज़ नहीं है इस बात को झुठलाने के लिए। अगर ऐसा हुआ भी कि सबकी सहमति से, कागज़ क्या कहता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ना कोई राजा होता है, ना कोई तानाशाह हो सकता है, ना कोई हमारे देश में अपनी चला सकता है। इस बात पर मुहर भी लगाई आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने। खैर, आगे मैंने लिखा कि 4 सितंबर 2024 IFS राहुल की जगह किसी और को निदेशक बनाया जाएगा। बहाना भी ठीक ही दिया गया, मगर इसका भी कारण है, सुना है मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। मामला वैसा भी नहीं है जैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये पॉलिटिकल बातें हैं, इसके बारे में तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक न्यूज़ 18 की न्यूज़ क्लिप और साथ में ये न्यूज़ आइटम जो अमर उजाला या दैनिक जागरण में से किसी एक की थी, इस वक्त मुझे याद आ रहा, उसका डाला, जिसमें लिखा था राजा जी नेशनल पार्क के निदेशक राहुल ने पद छोड़ने की जताई इच्छा, कि वो अपने आप ही पद छोड़ना चाहते हैं। अब ये क्यों किया गया,
ये इसीलिए किया गया ना कि उन्हें पता है कि अब जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी है उसमें जो मैटर गया है उसकी हियरिंग आज होनी है। तो आप कह रहे हैं आप वो खुद तैयार है छोड़ने के लिए, क्यों? आपको पता था कि आपकी किरकिरी होने वाली है और यही हुआ। और जिस तरीके से ये हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने उसके बाद ये लिखा, इट इज़ नाउ क्लियर दैट दो धामी गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू रिट्रैक्ट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IFS राहुल, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेड सम स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस ऑन हिज अपॉइंटमेंट। आई वंडर हु इज द स्केपगोट, IFS राहुल, मिनिस्टर और CM? गेहूं के साथ घुन ही पिसा। बट लेट मी टेक यू थ्रू व्हाट हैपेंड टुडे। आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा गया वो बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, इस बात पर कि मुख्यमंत्री जी एक अच्छे अफसर को नहीं जाना चाहते। मतलब अब अच्छे अफसर को जाने नहीं देना चाहते का क्या मतलब है? अगर उनको किसी को जांच हो रही है उनके खिलाफ, तो वो जांच एजेंसी क्यों जांच कर रही? क्योंकि उनके खिलाफ प्राइमा फेसी कुछ मिला होगा, तभी तो जांच चल रही है। आपको कैसे पता कि वो ठीक हो जाएंगे? और सुबोध उनियाल ने अपने बयान में भी इस बात को कहा था कि वो एक अच्छे अफसर है और उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनको दोषी करार नहीं दिया गया। भाई हद्दी हो गई। और अगर दोषी करार दे देंगे तब क्या होता? और वही हो गया ना, अभी तो उसमें दोषी करार नहीं दिया गया। लेकिन अभी इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, ये मैं आपको बता दूं कि आज हियरिंग में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत नाराजगी व्यक्त करी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने राहुल को, राहुल जो IFS हैं वो अपना पहला नाम लिखते हैं, उनको राजा जी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाया, जबकि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और एडवर्स रिपोर्ट्स उनके खिलाफ है। अब कोर्ट जो है उनके समक्ष ये सारे के सारे तथ्य भी थे, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में नोटिंग्स की डिटेल्स हैं वो भी पहुंच गए। अब माननीय उच्चतम न्यायालय जब इस बात को के बारे में सुनवाई कर रहा था कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस जिप कॉबिट इलीगल कंस्ट्रक्शंस और जो पेड़ काटे गए जिम कॉबिट नेशनल पार्क में, जब IFS राहुल वहां पे निदेशक थे, और हियरिंग के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मतलब उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है और उनको बना दिया गया अब यहाँ का आपके राजा जी नेशनल पार्क का निदेशक, परंतु वे एक अच्छे अफसर हैं। अब ये बेंच थी जस्टिस BR गवाई, जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस VK विश्वनाथन, और उन्होंने कहा कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाया था कि इनको कैसे बना दिया गया राजा जी नेशनल पार्क का निदेशक, जबकि इनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए गए थे, और जो मंत्री जी हैं और जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी नहीं चाहते थे कि इनको नियुक्ति दी जाए। अब कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड में लिया कि सरकार की तरफ से कहा गया कि एक दिन पहले ही हो गया, मतलब कल का आज पता चल गया कि उन्होंने तो यही कह दिया गया है कि वो अपने आप ही कह रहे हैं कि उनको नहीं रहना है। तो ये कहा गया कि सरकार ने उनकी पोस्टिंग विड्रॉ कर ली। देखिए अब हमें क्या बताया जा रहा है और कोर्ट में क्या कहा जा रहा है। कहा कि विड्रॉ कर ली है उनकी पोस्टिंग एज डायरेक्टर ऑफ राजा जी नेशनल पार्क, और नाउ ही इज पोस्टेड एज चीफ कॉन्जर्वेटर फॉरेस्ट IT डिपार्टमेंट, और ये उन्हें कहीं और करा गया है। अब उन्होंने कहा क्योंकि वो एक अच्छे अफसर है इसलिए वो उनको जाने नहीं देना चाहते थे। तो जस्टिस गवाई का कहना था, वी आर नॉट इन अ फ्यूडल एरा, जैसा राजा जी बोले वैसा चाहे चले, हम मतलब जमींदारी के समान में नहीं रहते हैं, जैसा राजा जी कहेंगे हम वैसा करेंगे, मतलब अभी कहेंगे कि कर दो, अभी कहेंगे कि नहीं कर दो, सबको ही कहेंगे मत करो, वो कहेंगे हाँ कर दो, यही तो मतलब हुआ। खैर अब कोर्ट की बात पे चलते, कोर्ट ने कहा, एंड आई कोट जस्टिस गवाई, कोट, वी आर नॉट इन अ फ्यूडल एरा, जैसा राजा जी बोले वैसा चले, व्हेन ऑल द सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज पॉइंटेड आउट टू द नोटिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ही जस्ट इग्नोर्स इट एंड सेज नो, अनकोट। फिर उनकी बात को अभी थोड़ा सा और बताती हूँ, कोट, इफ यू डिसएग्री राइट फ्रॉम द डेस्क ऑफिसर डेप्यूटी सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी द मिनिस्टर
the least expected is there should be some application of mind. कुछ तो सोचेंगे आप, मतलब आप सोच रहे हैं कि कितनी गंभीर बातें हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कही गई हैं. जस्टिस गवाई ने ये भी कहा कि इतने सारे जब एंडोर्समेंट्स हुए, इतने सारे जगहों से इतने सारे लोगों के द्वारा जो इतने महत्वपूर्ण पदों पे हैं, कि इनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, तब इनको कैसे कर दिया गया पोस्ट निदेशक के रूप में राजाजी नेशनल पार्क में. उन्होंने कहा, एंड आई कोट, देयर इज अ स्पेसिफिक नोट टू द डेप्यूटी सेक्रेटरी दैट द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम, दैट द सीबीआई इंक्वायरी इज देयर, देयरफॉर ही शुड नॉट बी पोस्टेड एनीवेयर इन द टाइगर रिजर्व. दैट इज एंडोर्स्ड बाय द डेप्यूटी सेक्रेटरी, दैट इज एंडोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दैट इज एंडोर्स्ड बाय द फॉरेस्ट मिनिस्टर, एंड दिस इज ऑल इग्नोर्ड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. यस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने उन सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया कि इनके खिलाफ विभागीय जांच, इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, इसलिए इन्हें कहीं पे भी पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए, खास करके किसी टाइगर रिजर्व में, क्योंकि एक टाइगर रिजर्व में ही तो जो धांधलेबाजियां इन्होंने करी उसी के कारण से इनको हटाया गया, उसी के कारण से इनके ऊपर जांच चल रही है. और इसको डेप्यूटी सेक्रेटरी एंडोर्स करते हैं, इस बात को प्रिंसिपल सेक्रेटरी करते हैं और फॉरेस्ट मिनिस्टर करते हैं, और इन सब की बात को नजरअंदाज कर देते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी. कोर्ट ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया, और इस समय सीनियर एडवोकेट आत्माराम नाडकर्णी जो राज्य की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा एप्लीकेशन ऑफ द माइंड वुड बी देयर, इट्स जस्ट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द नोटिस, दैट्स ऑल. उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, बस उसमें वो मतलब दिख नहीं रहा. तो कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस गवाई ने कहा, यू फाइल एन एफिडेविट ऑफ द चीफ मिनिस्टर देन, कि जाओ उनका शपथ पत्र भी करवा लो. वैसे उन्होंने कोई ऐसा आदेश दिया नहीं है कि मुख्यमंत्री को अपना शपथ पत्र दाखिल करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं आदेश आया है, लेकिन जस्टिस गवाई ने बार बार मौखिक रूप से इस बात को कहा कि जो लोग पब्लिकली पब्लिक हेड्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होनी चाहिए, जो निर्णय वो लेते हैं उसकी जिम्मेदारी उनकी होती है. And I quote, there is something like public trust doctrine in this country. The heads of the public offices cannot do whatever they want. When the endorsements are there, that he should not be posted there, despite of that, just because he is a CM, he can do anything. And this, मैं जो आपको quote करके बता रही हूँ, ये live law से quote कर रही हूँ, जहाँ पे वो बातें भी कही गई हैं जो उन्होंने मौखिक रूप से कही, जो order में भले ही ना आया हो. लेकिन इसके बाद इस मैटर में, और इस मैटर को आपको बता दूं कि ये रिट पिटीशन अनु पंत के द्वारा फाइल किया गया, जिसको एडवोकेट अभिजय नेगी जो हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें हाई कोर्ट में जो मैटर सीबीआई जांच जिसमें चल रही है, 6000 पेड़ काट दिए गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर. अब जो एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि सीईसी रिपोर्ट, इसके अलावा भी 4 रिपोर्ट्स ऐसी हैं अलग अलग अथॉरिटीज़ की, जिसमें इनको, जिसमें कहा गया है कि आईएफएस राहुल को 2022 में चार्जशीट किया गया था, और उसके बाद ये उस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का हिस्सा बन गए, और वो मैटर्स अभी पेंडिंग है. फिर भी इनको यहाँ पर पोस्टिंग दे देना ये गलत है. और उन्होंने ये भी कहा एमिकस क्यूरी ने कि सिविल सर्विसेज बोर्ड ने कभी मतलब ये भी नहीं पोस्टिंग के लिए ये भी नहीं कहा कि डीएफओ की पोस्टिंग होनी चाहिए. अब उस इनको ये एमिकस क्यूरी का कहना है कि नहीं, अब नाडकर्णी जी कहते हैं, नाडकर्णी जी की तो सुन लीजिए आप, वो कहते हैं कि इनको एक सेंट यानी कि संत बनाने की जो कोशिश है. परमेश्वर जी ने कहा, और मैं परमेश्वर जी को पहले कोट करती हूँ फिर बताऊंगी कि नाडकर्णी जी उसका जवाब क्या दिया. परमेश्वर जी कहते हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक अ सेंट आउट ऑफ हिम. डिस्पाइट देयर बीइंग नो रिकमेंडेशंस बाय द सिविल सर्विसेज बोर्ड, दिस डिसीजन वाज टेकन, दिस वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन दैट वाज टेकन. ये राजनीतिक निर्णय था जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया, जिस पर जो वकील थे राज्य सरकार के नाडकर्णी जी, उन्होंने कहा कि ये आईएफएस ऑफिसर जो हैं ये गुड ऑफिसर हैं, और इनके अगेंस्ट अभी कुछ आया नहीं है सीबीआई इंक्वायरी में. मतलब
गुड ऑफिसर्स को खोना नहीं चाहिए। ऐसी बातें जब इन्होंने कहा कि उनके ऊपर अगर विभागीय जांच चल रही है तो एक अच्छे ऑफिसर को खोया नहीं जाना चाहिए। राज्य के जितने पर्यावरण प्रेमी हैं जरा उनसे पूछिए वो क्या कहते हैं। तो जस्टिस गवई का क्या कहना था ये सुनिए, एंड आई कोट, अनलेस देयर इज प्राइमा फैशी मटेरियल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी इनिशिएटेड, अनकोट। मतलब अगर उनके खिलाफ प्राइमा फैशी एविडेंस नहीं होगा तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी नहीं होगी। कुछ तो तथ्य रहे होंगे जिसके कारण इंक्वायरी हो रही है, और अगर निर्णय मतलब खिलाफ आ जाए बाद में तब क्या होगा, मतलब कुछ भी कर लो। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो गुड ऑफिसर हैं तो इन प्रोसीडिंग्स में उनको क्लीन चिट मिलनी चाहिए, और जब तक उन्हें विभागीय जांच में क्लीन चिट नहीं मिल सकते तब तक हम मतलब तभी हम कह सकते हैं, अगर क्लीन चिट मिल जाए तभी हम कह सकते हैं ही इज़ अ गुड ऑफिसर। और जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है उसके बारे में भी कहा गया कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये सारी बातें कही गई, ये तो उनको मतलब ये गलत है। तो जस्टिस गवई ने कहा कि ये सारी नोटिंग्स से स्पष्ट है कि जो अखबार में आया है खास करके इंडियन एक्सप्रेस में जय मजूमदार की रिपोर्ट में वो सब सत्य है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे तो कोई ना कोई सुनता है। ये मत सोचिए कि गलत हो रहा है, अगर हम बोलेंगे तो हम बुरे बनेंगे, तब तो सभी कोई चुप हो जाएंगे, फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात की आपकी ये पर्यावरण से प्रेम। पर्यावरण से प्रेम है तो जो गलत है उसको तो गलत बोलेंगे ताकि सही हो सके। आवाज़ मैंने उठाई थी, और जब मैंने आवाज़ उठाई थी आप मुझे बता दीजिए कि क्या कहीं और से कोई आवाज़ आई थी, क्या कोई आवाज़ आई थी। आज तो क्रेडिट वीर क्रेडिट लेने के लिए आ गए कि हाँ हमने कहा था। कहाँ कहा था आपने, कुछ भी मत बोला करिए, आपकी जितनी इज्जत है उतनी इज्जत रहने दीजिए। अब ये बात को आज कहना, उस वक्त अकेले एक व्यक्ति बोलता है उसके साथ खड़े होकर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते, और इतने बड़े नेता हैं तो फिर आज इस बात को जब बोलते हैं तो नाराज़गी दिखाना आपके प्रति मेरा अधिकार भी है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है ताकि आप आगे से कम हर विषय पे बोलें। हमारे पत्रकार बंधुओं ने क्या बोला, उनको तो आप एक किसी का सुइसाइड लेटर पुलिस थमा दे, उस सुइसाइड लेटर को एनालाइज करने के बजाय जैसा होता है वैसा ही पेश कर देते, क्योंकि चरण चाटुकारिता करनी है, करते हैं आप लोग और खुलेआम करते हैं जब आप अधिकारियों की फोटो डालते हैं और उनकी वाहवाही करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, और ये बताता है कि कितने कमजोर हैं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी ना, यही पत्रकार सवाल पूछेंगे, कड़े कड़े सवाल, और तब कहेंगे कि अरे आप उस समय तो ऐसा कहते थे कि भाई इनसे सवाल नहीं पूछते, अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं, अरे आपको तो चुप ही करा के रखना चाहिए उसके बाद। लेकिन फिर भी हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम वापस लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। मेरे नेता राहुल गांधी आज लोगों के बीच में घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, इस देश में लोकतंत्र को वैसे ही वापस स्थापित करना है जैसे लोकतंत्र होता है, और तब आपको खुली छूट मिलेगी सवाल पूछने के लिए। मगर अगर जरा रत्ती भर भी शर्म बाकी हो उत्तराखंड के पत्रकारों तो सवाल पूछना शुरू करो। अगर बवाल ना मचता योगेश डिमरी के मामले में तो आप लोग उसकी भी उसको भी कवर नहीं करते। हाँ उनको साधुवाद है जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जो फेसबुक पर हैं कि कुछ तो बोलते हैं, कुछ विषयों को तो आप उठाते हैं, मगर जो विषय इतने बड़े हैं इतने महत्वपूर्ण हैं उन पर क्यों नहीं बोलते आप? मुझसे पहले पत्रकारों को बोलना चाहिए था, आपने नहीं बोला। हमारे जंगल कट रहे हैं, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही हैं, बड़े बड़े आर्टिकल आप लोग भी लिखने लगते हैं, मगर जब समय था सवाल उठाने का कि आखिर IFS राहुल को ये तैनाती राजा जी नेशनल पार्क में क्यों दी गई तो आपने क्यों नहीं उठाई ये बात, क्यों नहीं पूछा सवाल? हम सब जानते हैं क्यों, मैनेज्ड है ना आप लोग, मैनेज्ड। जिस दिन मैनेज्ड होना बंद होंगे उस दिन उत्तराखंड बचेगा, और उत्तराखंड की जनता जो केवल डिविजन की पॉलिटिक्स में आज उलझ के रह गई है, निकलने की कोशिश कर रही है,
उनको कहूँगी हिम्मत करो और निकलो इससे, पूछो सवाल, क्योंकि ये हमारे जंगल हैं, हमारी नदियाँ हैं, ये खत्म हो रहे हैं, इनको नुकसान हो रहा है और ये विकास नहीं हो सकता, ये विकास नहीं हो सकता। आपको याद कराना चाहती हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी और लाइमस्टोन माइनिंग बैन हुई थी, मेरे तो पिताजी का भी लाइमस्टोन माइनिंग का ही काम था, हमें नुकसान हुआ, मगर मेरे पिताजी ने तब मुझे एक बात कही थी, जब मैंने उनसे पूछा आप सरकार से नाराज़ नहीं हुए, तो उन्होंने मुझे कहा फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल देर हैज़ टू बी अ टफ डिसीजन टेकन, और उसमें हमारा नुकसान हो सकता है, चाहे हम नियम कायदे फॉलो कर रहे हैं, अधिकतर लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बंद हो रहा है, इसको बंद होना भी चाहिए। नुकसान होता है लेकिन लार्जर गुड के लिए, अगर उन्होंने मुझे आज ये सिखाया है और आज मैं खड़े होकर सवाल पूछ रही हूँ, शायद यही है कारण कि मैं आपके भी सवाल पूछ रही हूँ। आप कब पूछेंगे सवाल, उम्मीद कर रहे हूँ कि आप जल्द पूछेंगे सवाल, और जब पूछेंगे सवाल तो निवारण भी होगा, समस्या का समाधान भी होगा और एक्टिविज्म दोबारा से लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद भी करेगा। एक अकेला राहुल गांधी रास्ता दिखा रहा है, वो ये नहीं कहते कि एक अकेला सब पे भारी है, वो कहते हैं कि लड़ना है डरना नहीं है। इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और आज उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने मेरा साथ दिया इस पूरे मैटर में, जिस वक्त किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी उस वक्त वो इन्फॉर्मेशन भी दी और तथ्यों को ढूंढने में मदद भी की, और धन्यवाद जय मजूमदार जी का जिन्होंने आर्टिकल लिखा और उसके बाद सरकार ने सोचा अब तो बोलना पड़ेगा क्योंकि नेशनल न्यूज़पेपर में फर्स्ट पेज पे आ गया। इसलिए आपको पता था मुख्यमंत्री जी कि मैंने ये ट्वीट किया, क्योंकि आप लोग सर्वेलेंस पे रखते हैं हम सबको, तो आपने उसी वक्त निर्णय ले लिया होता तो कम से कम मुझे अपने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ते हुए, उनको जिस तरह से उनके बारे में कहा गया कि वो राजा नहीं है, ये सब ना सुनना पड़ता। माननीय उच्चतम न्यायालय से जो कहा गया है ना, इसकी इस बात की शर्म होनी चाहिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय जब कुछ कहता है तो उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाना चाहिए। मगर उम्मीद कर रही हूँ कि जिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है बोलने दो, हम तो पब्लिक लाइफ में, हमें तो जूते पड़ते हैं, हमें तो गालियाँ पड़ती हैं, पढ़ने दो, फ़र्क पड़ना चाहिए। पब्लिक लाइफ में आपका स्लेट साफ होना चाहिए, लोगों को आपकी इज्जत करने की इच्छा होनी चाहिए। और मैं आज ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, विपक्ष में इतने नेता हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शायद मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की के खिलाफ बोला है कई बार, लेकिन इस बात की मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ कि बहुत संयम के साथ बहुत बातें बोल लेते हैं। जब भी कुछ अजीबोगरीब बात बोलते तब भी मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ, लेकिन राजनीति में राजनीति करते हुए सर्वोपरि संविधान होता है, और साथ में जिस राज्य में कार्य करने के लिए हमें चुना जाता है वो हमारा भगवान होता है, और जनता जनता से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, क्योंकि जनता देती है सम्मान, और अगर आप उस सम्मान के लायक नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपको वो सम्मान तो नहीं देंगे, आपका अपमान भी करेंगे, आपकी दुर्गति भी होगी, लेकिन इतिहास में आपको किस रूप में याद किया जाएगा ये याद रखना चाहिए।